दिखा दिया कि खड़े रहना और बोलना पड़ रहा है। क्या अंदर क्या है अगर मैंने दिखा दिया तो चट्टी गीली हो जाएगी। ये वक्त बताएगा कि कौन किसकी चट्टी गीली करेगा। इंशाल्लाह तुम्हारी चट्टी गीली होगी और तुम बम्बई वापस जाओगे, ये मैं बोलता हूँ और वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी कोई बोले ना आपको कि तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरी हाथ तोड़ दूंगा, तो मेरा खाली फोटो दिखा देना भाग जाएगा। आप कही थे कि मेरा फोटो दिखा देना, मगर यहाँ तो सिर्फ अहमद भाई का नाम ही काफी है। अगर मेरे किसी भाई को ये धमकी आई ना तो इसी चौराहे पे लेके आऊंगा। अभी मेरा सब्र बाकी है, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और उससे कहना मैं अभी जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ। मंडी कानून से चलेगा, दिवंडी में कानून है, धमकियों से नहीं चलेगा। तो जमाने गए ये बच्चे भाई को स्वागत के लिए खड़े छोटे बच्चे, अब बोलते डरते बच्ची छोटी छोटी। अरे हम भाई तो हमारा ऐसा है, खाली एक कॉल करते हैं वो भाई बंदा दौड़ा हुआ चला। मैं अभी अपने लिए दूसरी तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे वो इलेक्शन लड़ना है और जरूर लड़ूंगा, इंशाल्लाह जरूर लड़ूंगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के आमपाड़ा में, सिराजुल उलूम मदरसा है उसके ठीक आगे हम लोग यहाँ पे आए, जहाँ पे अहमद सिद्दीकी, अहमद हुसैन सिद्दीकी जो यहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटर है, उन्होंने अपनी निधि से जो है यहाँ पे कुछ कार्य किया है, क्या विकास कार्य किया है वो हम देखेंगे। उनका कहना है कि महानगर पालिका से कुछ निधि पास हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फंड की कमी होने की वजह से उन्होंने अपने जाति फंड से जो है यहाँ पे ये कुछ कार्य किया है। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे एक पिवट ब्लॉक लगाया जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे इस पिवट ब्लॉक का काम तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तीन गलियों का और काम उन्होंने इसी तरह से करवाया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी जो है निशाना साधा है, और भी पॉलिटिकल पार्टी है जो यहाँ पर आके जो लोगों को, मतलब उनका ये मानना है कि हमारे लोगों को जो गुमराह करके जा रहे थे, तो उनको भी उन्होंने कुछ जवाब दिया है। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे कि क्या कहा है अहमद सिद्दीकी ने और इनके लोगों ने। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से भी बात करने की और जानेंगे कि क्या कहते हैं। मैं कर रहा हूँ, एक महीना पहले यहाँ कोई भाई साहब आए थे और उन्होंने कहा इसी जगह पे ये बाजू में कि यहाँ पे औरतों से उन्होंने कहा कि डरिए मत। अच्छा, समझे। और मैं अगर अपनी पे आ जाऊँ तो मैं चड्डी गिल्ली कर दूंगा, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं कर्ज रखता नहीं हूँ और उनको ये मेरा जवाब है कि मुझे कोई डर के वोट नहीं देता। ये जितने लोग हैं यहाँ आप पूछ सकते हो। दूसरी बात ये कि ये वक्त बताएगा कि कौन किसकी चड्डी गीली करेगा। इंशाल्लाह तुम्हारी चड्डी गीली होगी और तुम बम्बई वापस जाओगे, ये मैं बोलता हूँ और वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अहमद भाई जरा बताएंगे कि ये जो आपने काम किया है तो इसमें पूरा कितना खर्च लगा है, कितना क्या ये था टोटल काम? मैंने अब तक जो है आमपाड़े में एक साल के अंदर 50 लाख के ऊपर काम कर चुका है, जिसमें से मैंने अपने जेब का कुछ 10-10 लाख रुपया लगाया है, बाकी कॉर्पोरेशन के लिए। हाँ, बाकी कॉर्पोरेशन। अच्छा, तो इसमें आने वाले चुनाव में जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी जो हुआ था बगावत कांग्रेस के लेके, तो अगर आपके ऊपर कुछ आंच आती है तो आप किसको खड़ा करेंगे? नहीं देखिए, मैं अभी इलेक्शन लड़ने का ही नहीं है मुझको। अच्छा, अब मैं दूसरा इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ। और अभी हमारे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हमारे साहबजादे लड़ेंगे। अच्छा, साहबजादे को तैयार। मैं अभी अपने लिए कुछ दूसरी तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे वो इलेक्शन लड़ना है और जरूर लड़ूंगा इंशाल्लाह, जरूर लड़ूंगा। तो वो इलेक्शन आप जीतने के लिए लड़ोगे या किसी को हराने? जीतने के लिए लड़ूंगा इंशाल्लाह। हमारे सर पे क्या बोलते टोकरा रख दिया है कि अब आमिर जो है लड़ेंगे, तो आपकी क्या तैयारी है बताएं? नहीं, एक तैयारी यही है कि हम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, मैं लोगों का दुख तकलीफ जैसे मेरे वालिद साहब समझते थे, उनके लिए खड़े रहते थे, अब मैं उन्हीं के जैसा उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह। और लोग मुझे प्यार देते हैं अभी भी, आप लोगों का इतना जमावड़ा देख के समझ सकते हो कि उनके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। अच्छा, एक युवा होने के नाते क्या
एक युवा होने के नाते क्या आपका कुछ एक अलग स्टाइल रहेगा काम करने का अगर आप चुनाव जीत के आ जाते? नहीं, इंशाल्लाह अलग स्टाइल रहेगा और वक्त आने किन चीजों पे आप ज्यादा ये करो फोकस? मुझे मेरा रहेगा हेल्थ केयर पे रहेगा, एडुकेशन पे रहेगा, और भी जो भी मुद्दे रहेंगे उसके अलग स्टाइल से और बहुत मेहनत करके उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे अहमद भाई बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि लोग यहाँ पे डर कर उनको वोट देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, काम के मामले में तो यहाँ किसी किस्म की लापरवाही नहीं है। जरूरत ईजाद की माँ होती है, यहाँ जो जरूरतें होती है उसको पूरी की जाती है। और जैसा कि अभी अहमद भाई ने कहा कि कुछ एक महीना पहले एक साहब आए थे, तो मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि 24 अक्टूबर 2019 को विधानसभा का रिजल्ट आया था और उन साहब को आम पाड़ा आने में तकरीबन 3 साल लग गए। ओसियन से उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और उन्हें आम पाड़ा आने में तकरीबन 3 साल लग गए। और यहाँ कोई डर की राजनीति नहीं। उन्होंने एक बात और कही थी कि मुझे मेरा फोटो दिखा देना, मगर यहाँ तो सिर्फ अहमद भाई का नाम ही काफी है। अगर कोई ताकतवर पड़ोसी अपने पड़ोसी को, गरीब को दबाता है तो अहमद भाई का नाम काफी है। अगर कोई कोई बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है तो अहमद भाई का नाम काफी है। किसी की बेटी को उसको ससुराल वाले परेशान करते तो अहमद भाई का नाम भी काफी है। यहाँ फोटो की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो फोटो हमको दिखाएंगे? नहीं नहीं, वो फोटो तो आपको उनके ऑफिस पे जाके देखना होगा। अच्छा, हमारे पास नहीं। सबसे पहले तो मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। अभी मेरा सब्र बाकी है, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और उससे कहना मैं अभी जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे कि बताया कि यहाँ पे क्या वाकई में डर के लोग वोट देते हैं? सर, 10 साल का बच्चा फोन करता है, अहमद साहब मौजूद रहते तो डरेगा क्या? 10 साल का बच्चा अगर फोन कर दिया तो अहमद साहब वहाँ मौजूद रहते। अच्छा, तो बच्चा डरता है क्या? डर के वोट देगा कैसा? कैसे देगा वोट बताइए। नहीं, ये हम कहाँ बोल रहे हैं, ये तो जो जिन्होंने आरोप लगाया तो इसीलिए वो बेबुनियाद आरोप है, गलत है ये सब। तब वोट हासिल करने की साजिश है बस, और कुछ नहीं। ये हो सकता है कि एक गली के लोग नहीं डरते होंगे, दूसरी गली के डरते होंगे। नहीं नहीं, सवाल ही पूरा अम्पाड़ा की गली तो एक ही है। अच्छा, तो यहाँ कोई नहीं डरता? कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं, डरते हैं ना? हाँ, डरते हैं जो लोग गलत करते हैं। हाँ। जो लोग किसी को घर देखते हैं, किसी का रात में जागते हैं, वो लोग डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत काम करें और वहाँ हो जाए। आमपाड़ा हमारा बहुत सुकून है। और जो ये बोलता हो कि अहमद भाई को डर कोट देते हैं, तो जो लोग बोलते जरा उनका सर्वे कर ले, उनका माजी क्या है। हाँ। वो लोगों का मोहल्ले में लोगों के साथ में क्या किए हैं, अगर वो कुछ कोई काम किए हो, कोई वो किए हो, तो उनसे तो एक रिपोर्ट देते बताते, बाकी ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा, डर के अलावा मेरे को बताइए कि यहाँ पे बाकी मूलभूत सुविधा, अभी तो देखो अहमद भाई खुद बैठे, तो किसी और चीज की तकलीफ है कि अगर बोले कि तो वो अभी सॉल्व कर देंगे? इतना आराम हमारे आमपाड़े में कहीं नहीं, मैं ये जानता हूँ। जी, पानी एनी टाइम पानी है, पावर की तकलीफ नहीं है। रात में पावर, वो भी हमारी पावर आती है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बस डर ये चीज का लगता है अहमद भाई से कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, अगर गलत काम हुआ तो भी मसला आता है थोड़ा। ठीक ठीक, बोलिए। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अरे, हमको क्या मिटाएंगे वो जो खुद मिटे हुए हैं। और रही अहमद भाई की बात, मैं बोलता हूँ अब की ये 5 साल के अंदर आप पूरे भिवंडी का सर्वे कर लो, कहीं इतना काम नहीं हुआ है जितना हमारे भिवंडी के अंदर हुआ है। आप पूरी गली दे आए कि गली जाके देखो, एक गली में आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, और रो जो रास्ते हैं, जो गटरे हैं, वो बिल्कुल आपको साफ सुथरी मिलेगी। अभी फिलहाल पीछे का जो काम हुआ, आप वहां भी जाके सर्वे कर सकते हो कि कितना अच्छा काम हुआ है। और रहा ये जो अभी नया काम हुआ है, ये देख लीजिए कितना खाक सुथरा है। और आने वाले वक्त में और हमारे मोहल्ले में पानी की तकलीफ नहीं है। और जो जो लोग बोलते हैं डर के वोट देते हैं, अरे वो खुद डरे हुए हैं, हमको क्या डराएंगे यहाँ आने से। वो खुद डरे हुए हैं, वो तो भाई की मोहब्बत है। देखो बच्चे छोटे छोटे, आपको दिखाता हूँ, ये देखो बच्चे जमा है, ये बच्चे भाई का स्वागत के लिए खड़े, छोटे बच्चे, और बोलते हैं डरते हैं, बच्ची छोटी छोटी वो भाई के स्वागत के लिए खड़ी है और हमको बोलते डरते हैं। अरे हम भाई तो हमारा ऐसा है कि हम रात को चाहे 12 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, खाली एक कॉल करते हैं, वो भाई बंदा दौड़ा हुआ चला आता है। और क्या चाहिए हमको? अरे हमें तुमको आने वाले वक्त में अपने आम पाड़े वालों से अपील करता हूँ कि वो बैठा रहे और वो जीत जाना चाहिए, उनको तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि हमको आने वाले वक्त में इनको एमएलए का इलेक्शन लड़ाना है, बड़ा इलेक्शन लड़ाना है, छोटा मोटा काम नहीं करना है। और पूरे भिवंडी के अंदर ये भाई मेरा जितना बड़ा काम करता है, पूरे भिवंडी के अंदर कहीं भी कोई मसला होता है पूरे भिवंडी को कोई वो कारपोरेटर नहीं हल करता है, लेकिन भाई के पास मेरे आता है और भाई मेरा मसला हल करके देता है। और खासियत ये है कि दोनों आदमी इनकी बात मानते हैं, अच्छाई ये बात की है कि कोई नाराज होकर नहीं गया कभी इनके पास, जो भी आया है इनके पास कभी को जो भी मांग करके आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अंदर एक खासियत है कभी उसको नाराज नहीं किए, जो हो सका किए। ठीक।